नव भारती परिवार में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है कार्य केंद्रित पाठ्यक्रम व कोर पाठ्यक्रम। मैं जो पाठ्यक्रम के प्रकारों के बारे में आपको पढ़ा रही थी, उसमें मैंने आपको फर्स्ट जो पाठ्यक्रम के प्रकार, उनके जो 8 प्रकार थे, उनमें से मैंने आपके 4 प्रकारों का वर्णन मैंने लास्ट वीडियो में किया था। आपको दो जो मैंने सबसे पहले पाठ्यक्रम पढ़ाए थे वो थे मेरे बाल केंद्रित पाठ्यक्रम व विषय केंद्रित पाठ्यक्रम, और सेकेंड वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया था अनुभव केंद्रित पाठ्यक्रम, जो कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में पढ़ाया था अनुभव केंद्रित पाठ्यक्रम और शिल्पकला केंद्रित पाठ्यक्रम। और अब जो वीडियो में है हमारे वो दो हैं, कार्य केंद्रित पाठ्यक्रम जिसे हम क्रिया केंद्रित पाठ्यक्रम भी कह सकते हैं और कोर पाठ्यक्रम। ये दोनों पाठ्यक्रमों का वर्णन मैं इस वीडियो में करूंगी, जो सर्वप्रथम मैं आपको कार्य केंद्रित पाठ्यक्रम के बारे में पढ़ा रही हूँ। जैसे कि इसके नाम से संबोधित हो रहा है कार्य केंद्रित, कार्य मीन्स हमारे काम जो हम क्रिया करते हैं, क्रिया केंद्रित पाठ्यक्रम। हमें मानना होता है कि जो क्रिया केंद्रित पाठ्यक्रम जो होता है, क्रिया केंद्रित पाठ्यक्रम की प्रकृति होती है जब बच्चा छात्र जब कार्य करता है। इसमें हम मानते हैं कि बच्चा, कहते हैं ना कि तो बच्चों में ये प्रवृत्ति होती है, बच्चों को एक जगह बिठाना हमें बहुत मुश्किल होता है। जब हमें कठिनाई होती है उन्हें एक जगह बिठाने में, तो हम वो कठिनाई को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, उन्हें क्रिया करने के लिए अर्थात कार्य करने के लिए दे दिया जाता है। जब कार्य करने के लिए उसे दिया जाता है तो शिक्षक उसके लिए हमेशा उसकी सहायता के लिए रहते हैं। तो इसमें ये बताया है कि ये प्रकृति, जो बालक की प्रकृति होती है एक जगह ना बैठने की, हम इसे कहें कि एक व्यवहारिक प्रकृति, सैद्धांतिक होता है इसमें क्रिया प्रधान। अर्थात यहाँ हम ये देखें कि जो विषय नहीं, विषय के लिए हमने जो क्रियाएं करवाई हैं वो इसके अंदर उसका समावेश होता है। अर्थात बालक को किस तरह से हमें अनुशासन में बिठाना होता है, और अगर हम देखें तो जो क्रिया केंद्रित पाठ्यक्रम है हमारा, वो हमारा एक कक्षा के लिए बहुत उपयोगी होता है। हम कहते हैं ना कि अगर शिक्षक को जब पढ़ाने के बाद अगर उसका कुछ समय बचता है तो उसके लिए भी वो बच्चों को क्रिया करके, क्रिया कार्य देकर और बच्चों को अनुशासित रख सकते हैं। तो इसमें ये चीज़ बताई गई है कि एक तरीके से जब हम विद्यार्थियों को अगर हम अनुशासित करने के लिए भी हमारा क्रिया प्रधान सर्वश्रेष्ठ है, और बच्चों की जो प्रकृति होती है उसको भी हम कहते हैं कि काम करने की, तो जब उसे हमें एक जगह बिठाने में कठिनाई है तो ये हमारा क्रिया केंद्रित पाठ्यक्रम हमारी इसमें अहम भूमिका निभाता है कि हमें किस तरीके से इसमें कार्य करना है। ये कहा जाता है कि ये जो पाठ्यक्रम है, क्योंकि पाठ्यक्रम क्या होता है हमारा, पाठ्यक्रम होता है शिक्षक जो अपने उद्देश्य लेके चलते हैं, या विद्यार्थी जो अपने शिक्षक, तो अपने विद्यार्थियों के उद्देश्य की पूर्ति करवाते हैं, और विद्यार्थी अपने स्वयं के जो शैक्षिक उद्देश्य होते हैं उन शैक्षिक उद्देश्यों को लेकर चलते हैं, और इस पाठ्यक्रम के द्वारा वो अपने उन शैक्षिक उद्देश्यों की पूर्ति करते हैं। तो इसमें है जो हम कार्य केंद्रित पाठ्यक्रम, इसकी विशेषताएँ हैं। इसकी सबसे पहले हम विशेषता देखें तो बालकों की प्रकृति क्रियाशील, अर्थात ये क्या करता है, हमें क्रियाशील बनाता है, कार्य करते रहने के लिए प्रेरित करता है। और विद्यार्थी इस कार्य को कहते हैं कि कर, जहाँ ये कार्य केंद्रित पाठ्यक्रम में भी जिस तरह से अनुभव में क्रिया करके सीखने पर समावेश है, उसी तरीके से यहाँ पर विषय को इतना ज़्यादा, कहते हैं कि विषय को यहाँ पर प्रधान ना मानकर यहाँ पर क्रिया को मानी जाती है। कहते हैं बच्चे की जो प्रकृति है क्रियाशील की, वो क्रियाशीलता के पाठ्यक्रम पर आधारित होती है, वो बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा क्रिया करना सिखाया जाता है। तो पहला है बालकों की प्रकृति क्रियाशील, यानी कि और ज़्यादा क्रियाशील बन जाती है, क्योंकि बच्चा जब खुद करता है तो उसे ज़्यादा उस कार्य को करने में इंटरेस्ट होता है। तो इसीलिए बालकों की प्रकृति, सबसे पहला है इसकी विशेषता, बालकों की प्रकृति क्रियाशील। सेकंड है क्रियाएं एवं अनुभव, यानी कि जब बच्चा कार्य करता है, जब क्रियाएं करता है तो क्रियाएं करने के साथ साथ उसको क्या आ जाता है, अपना अनुभव आता है कि उसने किस तरीके से उस कार्य को किया, उस कार्य को करने में क्या क्या समस्याएं उनके सामने आई, उन समस्याओं को उन्होंने किस तरह से दूर किया। तो ये सारे उनके जो विभिन्न क्रियाएं, जो स्टेप होते हैं, किस तरीके से उन्होंने कार्य किए, ये विभिन्न क्रियाएं इसमें
शामिल हो जाती हैं और इससे उन्हें क्या प्राप्त होता है, अनुभव प्राप्त हो जाता है कि उन अनुभवों को वो किस तरीके से पूरा करते हैं। कहते हैं जो हमारा पाठ्यक्रम है क्रियाशीलता, वो क्रियाशीलता पाठ्यक्रम जो है वो सामाजिक मूल्यों के साथ साथ सामाजिक मूल्यों की जो हम पूर्ति करते हैं, क्योंकि क्रियाशील पाठ्यक्रम को हम व्यवहारिक भी कह सकते हैं क्योंकि क्रियाएं हमारी व्यवहारिक भी हो सकती हैं। तो ये व्यवहारिक क्रियाएं हमारी क्या करती हैं, हमारे सामाजिक मूल्यों को हमारा पूरा सामाजिक मूल्य पूरे करती हैं। और सामाजिक मूल्य अगर हमारे कहते हैं ना कि हमारे व्यक्तित्व में समाज का या हमारे व्यक्ति में व्यक्ति का समाज से एक अहम रिश्ता होता है। अगर हम जो समाज से हमारे जो सामाजिक मूल्यों को हम पूरा करते हैं तो शिक्षा तो हम ले ही रहे हैं विद्यालय से, शिक्षा के साथ साथ हम जो समाज से जुड़ते जाते हैं और सामाजिक मूल्यों की जब हम पूर्ति करते हैं तो उसके साथ साथ हमारा सर्वांगीण विकास होता है। अर्थात व्यक्ति का, छात्र का पूरा चहुंमुखी विकास होता है। कहते हैं शिक्षा ग्रहण करने के साथ साथ वो एक बच्चे को, एक विद्यार्थी को एक अच्छा नागरिक भी बनाती है। सेकंड है व्यवहारिक शिक्षा, कि ये हमें क्या करती है, व्यवहारिक शिक्षा पर भी जोर देते हैं, यानी कि जो हम प्रैक्टिकल कार्य करते हैं उसमें कहीं ना कहीं हमारा व्यवहारिक ज्ञान भी छुपा हुआ होता है। हम देखें कि अगर बच्चों को हम कोई प्रैक्टिकल करवा रहे हैं, हम ये कहें कि अगर हम ज्योग्राफी या फिर हम शुरू में बच्चों को एनवायरमेंट पर्यावरण पढ़ाना चाहें तो हम पर्यावरण को पढ़ाने के लिए बच्चों को क्या उपदेश देंगे, बाहर लेकर जाएंगे और उन्हें हम एक पेड़ पौधे लगाएंगे। अब पेड़ पौधे लगाए हैं हमने तो उससे हमें व्यवहारिक ज्ञान भी मिला है, क्योंकि उसका व्यवहारिक ज्ञान क्या है कि बच्चों को हम ये समझा सकते हैं कि इस एक पौधे से हमारा वातावरण किस तरह से शुद्ध होता है, इस पौधे से हम किस तरीके से हमारी जो हम ऑक्सीजन लेते हैं वो मिल प्राप्त होती है, इस पौधे से हमें कौन कौन से लाभ हैं, क्या चीज़ हमें इनसे प्राप्त होती है। तो कहते हैं कि ये क्रिया केंद्रित पाठ्यक्रम एक व्यवहारिक ज्ञान का भी हिस्सा है। फिर है स्वनिर्भर, जब बच्चा स्वयं इस कार्य को करेगा तो बच्चे को क्या बनाएगा, ये आत्मनिर्भर। जिस तरीके से हमारा जो पाठ्यक्रम था अनुभव केंद्रित पाठ्यक्रम, शिल्पकला केंद्रित पाठ्यक्रम, वो जिस तरह से हमें आत्मनिर्भर स्वनिर्भर बनाता है, तो कहते हैं कि जो क्रियाशील पाठ्यक्रम है वो विद्यार्थी को स्वनिर्भर बनाता है, यानी कि स्वयं कार्य करना सिखाता है, क्योंकि बच्चे पर पूरा कॉन्फिडेंस आ जाता है जब वो कार्य को स्वयं करता है। जब स्वयं उस कार्य को करता है तो उसमें स्वनिर्भरता का विकास होता है कि उसे वो कार्य पूरी तरह से करना आ गया, अर्थात वो किसी पर आश्रित न रहकर वह स्वनिर्भर हो जाता है कि मुझे ये कार्य करना आ गया। फिर है कार्यों को विशेष स्थान, अगर क्रियाशील है, कार्य केंद्रित है, तो यहाँ पर कहा था मैंने पहले भी कि विषय की जगह यहाँ कार्य को विशेष स्थान दिया जाता है। उस विषय, उस टॉपिक से संबंधित हमने क्या क्या कार्य किया है, उन कार्यों को यहाँ पर विशेष स्थान दिया जाता है कि कौन कौन से हमने कार्य उस विषय को पूरा करने में किया है, उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए हमने कौन कौन से कार्य किए हैं, किस तरह से हमने उसे एक कहते हैं ना कि उसके निष्कर्ष तक पहुंचाया है, वो उस कार्य का वर्णन होता है यहाँ पर। इसीलिए ये कार्यों को विशेष स्थान देते हैं, क्रिया प्रधान में कार्य का विशेष स्थान होता है। फिर है सर्वांगीण विकास में सहायक, जो मैंने बताया था कि ये हमें हमारा जो विद्यार्थी का चहुंमुखी विकास करते हैं, उसके संपूर्ण जो उसके अंदर सारे व्यक्ति जो चरित्र जो नैतिक मूल्य हैं उन सबकी पूर्ति ये करवाता है। एक चीज इसमें मैंने बताई थी कि जो हमारा क्रिया प्रधान है, कहते हैं कि क्रिया प्रधान में जहाँ बच्चों का क्रिया करना इसमें समाहित है कि बच्चे किस तरह से क्रिया करते हैं इसमें, जहाँ उसी वही तरह से हमारे कहते हैं कि व्यवहारिकता को लाने के लिए जो हमारे शिक्षा शास्त्री हुए इसको अपनाने के लिए, उनमें से कौन कौन से थे जिन्होंने इसी क्रिया को अपनाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाए थे। हम कहें कि जो कार्य केंद्रित पाठ्यक्रम है, कार्य केंद्रित पाठ्यक्रम इसको किस किसने सबसे पहले जॉन डीवी ने और किल पैट्रिक मॉन्टेस्की टेस्ट, यानी कि ये सब ऐसे हुए थे, इन्होंने जो हमारा पाठ्यक्रम है क्रिया प्रधान इनको मान्यता दी थी, अर्थात ये मानते थे, ये भी बच्चों के व्यवहार से वाकिफ थे, वो
वो जानते थे कि बच्चों का जो व्यवहार है, बच्चों को हमें जो सबसे ज्यादा कठिनाई होती है कि हम एक जगह बच्चों को बिठाते हैं एक साथ, या कहते हैं कि बच्चों का अगर हम कहें कि बच्चे एक जगह बैठे, कहें कि भाई आराम से बच्चों को अनुशासन में रहे, तो कभी भी बच्चे अगर हम उन्हें खाली अगर हम बच्चों को बिठाते हैं, कोई क्रिया उनको नहीं देते हैं, तो बच्चों के लिए बैठने में सबसे ज़्यादा कठिनाई होती है। इसीलिए क्रिया प्रधान अर्थात करके सीखने पर जोर, जो हमारे शिक्षाविद थे उन्होंने भी इस चीज़ को माना कि हमारा पाठ्यक्रम है वो हमारा पाठ्यक्रम क्रिया केंद्रित पाठ्यक्रम होना चाहिए। इन सब के जो हमारे शिक्षाविद थे इनके विचारों का इसमें पूर्ण रूप से इनकी सहमति थी कि हमें क्रिया प्रधान पाठ्यक्रम हमारे लिए महत्वपूर्ण है। और इसी में हमने देखा है कि आज के टाइम पर जो पाठ्यक्रम हमारा शिल्पकला केंद्रित पाठ्यक्रम को हमने एक बुनियादी शिक्षा में जोड़ा बेसिक शिक्षा में, उसी तरीके से महात्मा गांधी जी ने क्रिया केंद्रित पाठ्यक्रम को भी उसका आज के कहते हैं कि आज का जो हमारा पाठ्यक्रम है उसमें हमारा इसको समाहित कर दिया गया क्रिया केंद्रित पाठ्यक्रम को। जो उन्होंने बुनियादी शिक्षा बनाई थी, बुनियादी शिक्षा जब बनाई थी गांधी जी ने, तो उसमें हमारा क्रिया केंद्रित पाठ्यक्रम का उन्होंने समावेश कर दिया। वो भी इस चीज़ से सहमत थे कि हमारा पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, क्रिया प्रधान होना चाहिए, जिससे कि बच्चे क्रिया करके सीखें और सीख कर वो आत्मनिर्भर बने। यहाँ पर हम कहते हैं कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो हमारे केंद्रित होता है हमारा, वो विषय न होकर हमारा कार्य हमारा केंद्रित होता है। यह हमने देखा हमारे जो मानदंड परीक्षण पर जोर देते हैं अर्थात हमने आखिरकार क्या कार्य किया, उसमें हमने क्या क्या अंक प्राप्त करे, यानी कि हम उस पक्ष पर जोर देते हैं कि किस तरीके से हमने क्रिया की, क्रिया करके कहते हैं ना कि हमारी हर एक्टिविटीज़ के इसमें हमारे मार्क्स हमें दिए जाते हैं, वो मानदंड एक मानदंड लेके चलते हैं हम कि हमारी मानदंड हमारे मापन जो होती है कि भाई ये हमारे मानदंड हैं इनके द्वारा हम इसकी पूर्ति कर सकते हैं। फिर है हमारी इसकी लिमिटेशन, कहते हैं विशेषताओं के साथ साथ हमारी इसमें लिमिटेशन भी छुपी हुई है। तो फर्स्ट है हमारा जो इसमें पाठ्य पुस्तक प्रधान, इसमें प्रधान नहीं, यानी कि जो क्रिया प्रधान है तो क्रिया प्रधान कार्य पर फोकस करता है ना कि पुस्तक पर, यानी कि ये पुस्तक जो हम पढ़ते हैं पुस्तकीय ज्ञान पर, हम ये कहें कि थ्योरी पर ये फोकस नहीं करता है, ये प्रैक्टिकल का अर्थात जो हम क्रिया करते हैं उस पर ही फोकस करता है। जब भी हमने देखा है कि जॉन ड्यूवी ने जो हमारी विभिन्न जो प्रयोगशालाओं की स्थापना हुई है वो इनके आधार पर हुई है। किलपैट्रिक थे हमारी, जो उन्होंने खेल विधि अपनाई वो इसीलिए अपनाई कि बच्चे क्रिया करें खेलते खेलते। मॉन्टेसरी ने जो सीखी हमारी खेल प्रति कि बच्चे खेल खेल में सीखें, ये सब विधियाँ जो थी ना वो इसीलिए क्योंकि ये पुस्तक पर नहीं ये क्रिया पर आधारित थी कि हम किस तरह से इसके क्रिया जो हम कार्य कर सकें। फिर इसमें विषय प्रधान नहीं, मैंने आपको शुरू में भी बताया था कि हमारा जो सबसे जो मतलब क्रिया पाठ्यक्रम है इसका फोकस क्रिया पर रहता है ना कि विषय पर, कि हमने जो उद्देश्य जो विषय का चयन किया उसे हमने पूरा किस तरीके से किया है, किन किन विधियों के माध्यम से किया है, किस तरीके का कार्य हमने किया है, तो ये हमारा किस पर है, क्रिया प्रधान पर। फिर है आज का वर्तमान स्वरूप विस्तृत, कहते हैं कि जो हमारा पाठ्यक्रम है क्रिया केंद्रित पाठ्यक्रम इसको हमने प्रत्येक चीज से जोड़ दिया। अगर हम देखें तो हम जब शुरू में पढ़ते हैं 10th तक तो हम छोटी छोटी चीज़ें हम खेल विधि सब इनसे अनेकों चीज़ें सीखते हैं। अगर हम बड़े होते हैं 10th से ऊपर जैसे इतना डिवाइडेशन कर दें हम पाठ्यक्रम का कि सेकेंडरी तक तो हम सभी विषयों का पढ़ते हैं, मैथ है साइंस है, लेकिन वहाँ भी हमें प्रैक्टिकल करवाना सिखाया जाता है, साइंस में सिखाया जाता है कि किस तरह से हम छोटे छोटे प्रैक्टिकल करते हैं। फिर हम जब 11th 12th में हम आते हैं तो हम सब विषयों का चयन करते हैं, अगर यहाँ भी हम कोई प्रैक्टिकल विषय लेते हैं तो वो प्रैक्टिकल हम करते हैं। फिर बाद में हम क्या करते हैं जब हम आगे बढ़ते हैं इन विषयों का अध्ययन करने के लिए, अगर हम किसी शिक्षण या प्रशिक्षण में हम इसका अध्ययन करते हैं प्रशिक्षण लेते हैं तो हमारा इनका स्तर बहुत बड़ा हो जाता है। तो कहते हैं कि आज का जो हमारा पाठ्यक्रम, क्योंकि ये आज के पाठ्यक्रम से जोड़ दिया गया क्रिया केंद्रित पाठ्यक्रम को, तो ये हम मानते हैं कि हमारा जो आज का पाठ्यक्रम का स्वरूप है वो कैसा है, विस्तृत है। इसीलिए इसका जो क्रियाशील पाठ्यक्रम है इसका स्वरूप भी बहुत बड़ा है, यानी प्रत्येक कार्य में हमारे इसमें प्रैक्टिकल क्रिया को जोड़ दिया गया।
फिर है निष्पत्ति परीक्षण को अनदेखा। जो हम यहाँ पर निष्पत्ति यानी कि हम ये कहें कि हम जो मूल्यांकन जो परीक्षा है बच्चों के जो अंक हम देंगे उसमें हम बच्चों की परीक्षा जो हम लेते हैं रिटर्न उसका इसमें कोई भी कहते हैं कि इसमें उसको अनदेखा किया जाता है। इसमें हम क्रिया यानी कि प्रैक्टिकल कार्य को देखते हैं उसके आधार पर हम बच्चों का निरीक्षण करते हैं। फिर है इसमें ज्ञानात्मक पक्ष की अवहेलना क्योंकि इसमें क्या है क्रिया तो ये किसको जोर दे रहा है क्रियात्मकता को। कहते हैं कि इसमें क्रियात्मकता और इंटरेस्ट अगर बच्चों का होगी तो क्रिया अच्छी होगी तो इसमें भावात्मक है लेकिन इसमें कहीं भी ज्ञानात्मक पक्ष की अवहेलना इसमें ज्ञानात्मक पक्ष का समावेश नहीं होता है। ये क्रियात्मक पक्ष पर जोर देता है कि किस तरीके से बच्चा क्रिया करते हैं। तो ये हमारे इसकी क्रिया केंद्रित पाठ्यक्रम जो मैंने पढ़ाया क्रिया केंद्रित पाठ्यक्रम की हमारी विशेषताएं और इसकी लिमिटेशन थी। अब है हमारे जो कोर पाठ्यक्रम कि कोर पाठ्यक्रम की विशेषताएं और लिमिटेशन। अगर हम कहें कि कोर पाठ्यक्रम क्या होता है तो उसको सिंपल से भाषा में हम कह सकते हैं कि कोर पाठ्यक्रम ऐसा पाठ्यक्रम होता है जिसमें कि कुछ ऐच्छिक विषय और कुछ अनिवार्य विषयों को जोड़ा जाता है यानी कि कोर पाठ्यक्रम होता है जिसमें कुछ अनिवार्य विषयों का वह कुछ ऐच्छिक विषयों का समावेश होता है। ऐसा पाठ्यक्रम कौन सा पाठ्यक्रम कहलाता है कोर पाठ्यक्रम जिसमें कोर रिलेशन होता है आपस में यानी कि यहाँ हमारे कुछ हमें अनिवार्य विषय अगर हम यहाँ कहें कि कोर पाठ्यक्रम अनिवार्य विषय हम पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि हम टेंथ तक जो सारी सब्जेक्ट पढ़ते हैं हम हिंदी भी पढ़ते हैं गणित भी पढ़ते हैं एसएसटी भी पढ़ते हैं विज्ञान भी पढ़ते हैं तो ये जो हम कोर ये भी हमारा कोर पाठ्यक्रम है। लेकिन जब हम 11th में या 12th में कहते हैं कि हम माध्यमिक स्तर से हम उच्च माध्यमिक स्तर पर हम आते हैं तो हम कुछ ऐच्छिक विषयों के साथ ऐच्छिक विषय हम ले लेते हैं हमने ले लिया साइंस मैथ तो हमारी साइंस और मैथ ये तो हमारी बन जाती है ऐच्छिक विषय। लेकिन इनके साथ साथ हम अनिवार्य विषयों का भी अध्ययन करते हैं जैसे हम ले लेते हैं हिंदी और इंग्लिश तो कहते हैं कि ये जो हमारे साथ साथ इन विषयों का चयन जो हम करते हैं ये हमारी ऐच्छिक विषय। अगर हम कहें कि सबसे जैसे हमारी गणित है विज्ञान है भाषा है जो भी हमारी इसके साथ हमारी शारीरिक विषय शारीरिक शिक्षा स्वास्थ्य शिक्षा ये सारे जो विषय हैं ये हमारी एक कोर पाठ्यक्रम का हिस्सा है। कहते हैं कि हम जहाँ यहाँ हमारे विषयों का गणित में जहाँ हम संख्यात्मक का ज्ञान ले रहे हैं बच्चों को ये संख्यात्मक ज्ञान होना चाहिए उसके साथ साथ हमें किसका ज्ञान दिया जाता है टेंथ तक हम देखते हैं हमें शारीरिक शिक्षाओं पर इनका कि हमें किस तरह से आज के बच्चों को स्वस्थ रहना है ये हमारी इस पाठ्यक्रम के साथ जोड़ दिया जाता है। यानी कि हम गणित विषय का भी ले रहे हैं हिंदी का लेकिन इनके साथ साथ हम हमारे शारीरिक विषयों का और हमारी जो स्वास्थ्य शिक्षा है क्योंकि ये हमारे शरीर के लिए अनिवार्य है आज की जो आवश्यकताओं को देखते हुए तो कोर पाठ्यक्रम का इसी चीज को ध्यान में रखते हुए इन दोनों जो कहते हैं दोनों विषयों का इसमें समावेश कर दिया गया अनिवार्य विषय भी और हमारे ऐच्छिक विषय भी। अब हम देखें कि जो हमारा कहते हैं कि ये हमारा जो कोर पाठ्यक्रम था ये हमारे सबसे पहले अमेरिका की देन थी यानी कि ये पाठ्यक्रम अमेरिका की देन थी कि इन्हीं के इसी के आधार पर हमने हमारे यहाँ भी कोर पाठ्यक्रम को स्टार्ट किया यानी कि देन थी ये अमेरिका की। तो सबसे पहले हम इसकी विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे कि कोर पाठ्यक्रम की विशेषताएं क्या है। तो सबसे पहले एक ज्ञान को अनेक विषयों के द्वारा जोड़ दिया जाता है। इसमें क्या करते हैं क्योंकि हम कह रहे थे अभी मैंने बताया था कि अगर हम गणित का अध्ययन कर रहे हैं तो उसके साथ साथ हम किसका ले रहे हैं
स्वास्थ्य शिक्षा का भी ले रहे हैं। यानी कि यहाँ पर हम गणित, विज्ञान, हिंदी यानी एक विषय के साथ कोरिलेशन जो हम पढ़ते हैं सह संबंध, यहाँ पर विषयों को आपस में सह संबंधित करके उन्हें जोड़ देकर और हम इस ज्ञान को अन्य विषयों का भी ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो एक विषय के साथ हम बहुत सारी विषयों का ज्ञान प्राप्त करते हैं। सेकेंड है सीखने के अनुभव पर जोर, जहाँ पर हम यहाँ क्रियात्मक में, अनुभव में, शिल्पकला में हमने देखा कि हमने किस पर जोर दिया था, क्रिया पर, लेकिन यहाँ हम सीखने पर जोर दे रहे हैं कि हम बच्चा किस तरीके से एक विषय के साथ दूसरे विषय के बारे में जान सकता है, सीख सकता है। तो ये किस पर जोर दे रहा है, हमारे सीखने पर। थर्ड है हमारा शिक्षण के लिए समय निश्चित नहीं, ये कहते हैं कि कोर पाठ्यक्रम जो हम पढ़ते हैं हमारी पढ़ने की कोई एज लिमिट नहीं है, तो इसमें कहा जाता है शिक्षण के लिए यहाँ पर समय निश्चित नहीं होता है। जिस चीज़ के बारे में हम ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं उसके लिए कोई समय निश्चित नहीं है। फिर है भावी समस्याओं के लिए प्रशिक्षण, कहते हैं कि इसमें हमारी जो हमारी अगर भावी समस्या हमारी आने वाली समस्या है, क्योंकि हम वही पाठ्यक्रम ले रहे हैं, उसी चीज़ का ज्ञान ले रहे हैं जो हमें आगे हमारे भविष्य में आवश्यकता होती है। तो कहते हैं भावी समस्याओं के लिए हमें क्या किया जाता है, प्रशिक्षित किया जाता है, कि क्योंकि हम इन विषयों को जब ज्ञान लेते हैं तो इन्हीं विषयों के ज्ञान को हम हमारे आगे के लिए हमारे प्रशिक्षण में काम में लेते हैं कि हमें किस तरीके से आगे हमें इन्हीं विषयों पर हमें कार्य करना है। फिर है शिक्षण विधियों के चयन में स्वतंत्रता, कहते हैं कि जब हम इन पाठ्यक्रम को इन विषयों का अध्ययन करते हैं तो इन विषयों के लिए हमें किन किन विधियों का प्रयोग करना है इसके लिए हमें स्वतंत्र होते हैं। हम ये कहें कि गणित के लिए हमें अलग विधि चाहिए, विज्ञान के लिए हमें अलग विधि चाहिए, तो इन सभी विधियों के लिए हम स्वतंत्र होते हैं। हम किसी भी विधि, किसी भी विषय के लिए कोई सी भी विधि का चयन करके और हम उसको प्रयोग में ले सकते हैं। फिर है पाठ्यक्रम के विभिन्न क्षेत्रों से सहसंबंध, ये जो हम पाठ्यक्रम ग्रहण करते हैं कोर पाठ्यक्रम विभिन्न विषयों का, तो उनका क्या करते हैं हम अलग अलग क्षेत्र से जोड़ देते हैं। अगर हम ये कहें कि हमने विज्ञान विषय का ले लिया, अगर हम विज्ञान विषय का लेते हैं तो हम किस में जाते हैं, हम मेडिकल लाइन में यानी चिकित्सा क्षेत्र में। हमने कहा कि हमने गणित का चयन कर लिया तो हम जाते हैं कोई टेक्निकल लाइन में, यानी कि हर विषय का एक अलग अलग क्षेत्र होता है, उसमें आपस में उनके अंदर से संबंध होता है। जैसे हम गणित के साथ क्या पढ़ते हैं, विज्ञान भी पढ़ते हैं, और विज्ञान के साथ साथ हम कौन सी जीव विज्ञान पढ़ते हैं, हम वनस्पति विज्ञान पढ़ते हैं, तो इनका सहसंबंध होता है। तो इसमें बताया कि पाठ्यक्रम में ऐसे विषयों का समावेश कर देते हैं जो कि आपस में उनके क्षेत्र भी जुड़े हुए होते हैं, उनके अंदर भी संबंध होता है। फिर है हमारे इसमें लिमिटेशन, तो सबसे पहले है पाठ्य सामग्री अपर्याप्त, यानी कि जो हमारी सामग्रियाँ होती है पढ़ने की वो बहुत सारी होती है, यानी कि पर्याप्त नहीं होती है। जितना हम उसको ढूंढें या जितना हम इस चीज़ के बारे में ज्ञान प्राप्त करें हमारे लिए उतना कम होता है। तो कहते हैं पाठ्य सामग्री अपर्याप्त। सेकंड है अनुभवों का स्थान नहीं, कहते हैं कि जहाँ हम क्रिया प्रधान पाठ्यक्रम में अनुभव में शिल्प में हमने अनुभव का ग्रहण करते हैं, या हम अनुभव न लेके हम ज्ञान लेते हैं क्योंकि हम यहाँ सीखने पर जोर देते हैं, तो यहाँ अनुभवों का कोई समावेश नहीं होता। क्रमबद्धता नहीं, कहते हैं कि इस ज्ञान में कोई क्रमबद्धता नहीं होती। शिक्षण में समय अधिक, कहते हैं पाठ्यक्रम में जितना ज़्यादा हम पढ़ते हैं आगे जब तक हम किसी काबिल नहीं होते, कहते हैं आत्मनिर्भर नहीं होते तब तक हम इसका शिक्षण लेते ही रहते हैं, शिक्षा ग्रहण करते ही रहते हैं, इसीलिए इसके शिक्षण में भी अधिक समय लगता है। तो ये आज का हमारे दोनों पाठ्यक्रम थे, हमारे सबसे पहले क्रिया केंद्रित पाठ्यक्रम यानी कि कार्य केंद्रित और कोर पाठ्यक्रम। कार्य केंद्रित पाठ्यक्रम बताया जिसमें क्रिया प्रधान होती है, विषय का इसमें कोई स्थान नहीं होता, लेकिन हमारे कोर पाठ्यक्रम के लिए मैंने बताया कि कोर पाठ्यक्रम हमारा होता है जिसमें कुछ विषय ऐच्छिक और कुछ अनिवार्य विषय होती है। अमेरिका की ये देन थी, इनकी विशेषताओं के बारे में मैंने आपको बताया। तो ये आज का हमारा पाठ्यक्रम था, धन्यवाद।